तो दोस्तों आज फिलहाल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से इंडिया में 5G नेटवर्क जो है वो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ 5G नेटवर्क के कंप्लीट डिटेल के बारे में। 5G नेटवर्क आज कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 5G सिम कार्ड के बारे में क्या डिटेल है, 5G प्राइजेस, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई 5G प्राइजेस क्या होने वाली हैं, प्राइजेस के बारे में क्या डिटेल आई हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आज निकल करके आई है ऑफिशियली वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहां पर 5G नेटवर्क के लॉन्च के बारे में बात करें तो आज यहां पर ऑफिशियली पीएम मोदी की तरफ से जो 5G नेटवर्क है वो इंडिया में अनाउंस कर दिया गया है। आज काफी सारे जगहों पे जो 5G नेटवर्क है वो यहां पर स्टार्ट होने वाला है, रोल आउट होने वाला है यूज करने के लिए जियो और एयरटेल की तरफ से। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जियो एयरटेल वगैरह ने काफी सारी अनाउंसमेंट भी की है इस 5G नेटवर्क के लॉन्च के टाइम पे। अब यहां पर कुमार मंगलम यानी VI ने अब ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ये लोग भी बहुत जल्दी अपने 5G नेटवर्क को लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने स्पेसिफिक डेट तो बताई नहीं कि हम वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क कब आ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि हम आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ में एयरटेल ने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग यहां पर 5G आज से सबसे पहले 8 सिटीज में 5G नेटवर्क को रोल आउट करने वाले हैं, जिनमें इन्होंने कुछ सिटीज का नाम भी बताया है, दिल्ली, वाराणसी, उसके साथ में मुंबई, बेंगलुरु और चार और सिटीज हैं। इनका कहना है कि हम पूरे इंडिया में, इंडिया के पूरे जगहों पे 2024 तक जो 5G, मार्च 2024 तक जो 5G नेटवर्क है वो जो 5G नेटवर्क का रोल आउट है वो कर देंगे। मार्च 2024 तक इंडिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहां पर एयरटेल का 5G अवेलेबल ना हो। इसके साथ में जियो ने भी अनाउंसमेंट किया है। जियो ने कहा है कि हम यहां पर 2023 के दिसंबर तक पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क रोल आउट कर देंगे। 2023 तक इंडिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं रहेगा जहां पर जियो का 5G अवेलेबल ना हो। तो ये कुछ अनाउंसमेंट निकल कर के आई हैं। अब यहां पर मेन चीज, अब ये चीजें तो हमें पहले ही पता थी, पहले भी जियो ने अपना AGM मीटिंग किया था जहां पर जियो ने ये सभी चीजें क्लैरिफाई की थी। अब बात आती है कि यार जिस चीज का हम वेट कर रहे हैं वो चीज कहां पे है, यानी हम काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि यार 5G नेटवर्क जो होने वाला है उसकी प्राइजेस क्या होने वाली है, सिम कार्ड लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, इसके बारे में इन लोगों ने आज भी कोई भी अपडेट अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। अभी तक इन लोगों ने जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग हुई, खत्म भी हो गई। वहां पर इन्होंने ये नहीं कहा कि कितने रुपए से प्लान स्टार्ट होगा, जियो का कौन कौन सा प्लान होने वाला है, जियो का सिम कार्ड लेना है कि नहीं लेना है, कैसे क्या चीजें होंगी, ये कोई भी चीजें ना जियो ने, एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया ने, किसी ने भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। और यहां पर कहा जा रहा है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये जो चीजें हैं वो ऑफिशियली खुद से रिवील करने वाले हैं, अलग अलग अपनी मीटिंग में रिवील करने वाले हैं कि हम इतने रुपए का हमारा प्लान होने वाला है, इतने आपको ये वाला सिम कार्ड लेना पड़ेगा, ऐसे आपकी 5G सर्विसेज स्टार्ट होंगी। तो बात अब ये आती है कि आज से जिन लोगों के एरिया में 5G नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है, जैसे वाराणसी में आज स्टार्ट हो रहा है, तो अब वो लोग क्या करेंगे, कैसे वो लोग यूज करेंगे, मतलब इसके ऊपर तो कोई भी डिटेल है ही नहीं। जिन लोगों के पास 5G स्मार्टफोन है वो कैसे यूज करेंगे 5G सर्विसेज को, तो अब उसके बारे में फिलहाल देखते हैं। हो सकता है कि आज शाम तक कोई अपडेट आ जाए इसके ऊपर, लेकिन अभी तक जो मीटिंग हुई है उसमें इन लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है 5G नेटवर्क के बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।